जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एम पैटर्न इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, आपको लॉस होने के बहुत कम चांस होंगे। तो दोस्तों एम पैटर्न कब तक सक्सेस होता है? जब दोस्तों एम पैटर्न तभी सक्सेस होगा जब यहाँ पर तीन या चार छोटी छोटी कैंडलें बने, वो डोजी कैंडल भी हो सकती है या हैमर कैंडल भी हो सकती है, लेकिन सक्सेस तभी। लेकिन अगर मान लो यहाँ से एक ही कैंडल इस तरीके से आ गई तो दोस्तों एम पैटर्न सक्सेस नहीं होगा और आपको वो एम पैटर्न लॉस ही देगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ आ रहा है और बीच में अगर ये डोजी कैंडल बन गई या कुछ भी इनसाइड कैंडल बन गई ना, तो कसम से ये एम पैटर्न सक्सेस होगा और बहुत ही खतरनाक आपको पैसा देके जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये चार्ट पर भी बता दूंगा। तो दोस्तों इसका टारगेट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका दुगना। दोस्तों इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना, यही हमारा टारगेट होगा। आप नए हो ना तब यही टारगेट रखो, अगर आप धीरे धीरे पुराने हो जाओगे तब मैं आपको इससे भी अच्छी बता दूंगा। तब हम क्या करेंगे, अगर मान लो ये कैंडल आ गई तो जब तक कोई भी कैंडल पिछली कैंडल के यहाँ पर क्लोज नहीं होगी ना, तब तक हम एग्जिट नहीं होंगे। और दोस्तों दूसरा एम पैटर्न कौन सा, तब दोस्तों ऐसे मार्केट जा रहा है, एक कैंडल उसने ग्रीन बनाई, उसके बाद में दूसरी कैंडल रेड बनाई और उसके बाद में फिर से ग्रीन बनाई, ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद में रेड, और जब ये नीचे क्लोज, इन सब के नीचे कैंडल एक क्लोज कर देगी ना कोई भी रेड कैंडल, तब मान लेना वो एम पैटर्न बन गया। और जब ये इस ये ऐसे विक बनाएगा, इस विक से ऐसे ऊपर जाने के बाद जब ये नीचे आएगा ना, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। कभी कभार ये विक इसके भी टच हो जाएगी, और जब इसके टच हो जाएगी तो कन्फर्म है कि वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे हम हमारी एंट्री ले लेंगे और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख लेंगे। दोस्तों हम स्टॉप लॉस बड़े बड़े नहीं रखूँगा, क्योंकि दोस्तों हम नए ट्रेडर हैं और मैं हम 300-500 रुपये का स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। दोस्तों मैं खुद मेरे पड़ोस में काम पे जाता था और मेरे को वहाँ पर 300 रुपये मिलते थे रोज़ के, तो दोस्तों मैं 500 रुपये का स्टॉप लॉस कैसे रखूँगा। इसलिए दोस्तों हम 300 रुपये का स्टॉप लॉस, मान लो निफ्टी में मैं ट्रेड करता था, ऑप्शन बायर था, तो 2 या 3 रुपये ट्रेड स्टॉप लॉस रखता था। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख लेंगे और इसका ही दुगना यहाँ पर टारगेट होगा, और ये मैं आपको चार्ट में भी बता दूंगा अभी, ये सक्सेस होगा, समझे? तो बोर्ड पे आप ध्यान रखें। लेकिन ये वाला एम पैटर्न तभी सक्सेस होगा जब यहाँ पर तीन या चार छोटी छोटी कैंडल बने, लेकिन और इसके बाद में छोटी छोटी कैंडल कर करके आई। और दोस्तों ये यहाँ से मार्केट गिरेगा, इसका क्या प्रमाण है कि एम पैटर्न बनेगा? दोस्तों इसका प्रमाण यह है, जब यहाँ से कैंडले जा रही ना तो वो कैंडले छोटी होती होती जाए, इसका मतलब है कि बायर वीक होते जा रहे। दोस्तों ये देखिए, ऐसे कैंडल एक बड़ी कैंडल बनी, फिर उसके बाद में छोटी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल बनती जाएगी। छोटी कैंडल्स और क्यों बनेगी, क्योंकि ये वाले हैं ना, ये वाले प्रॉफिट बुक करेंगे और तब यहाँ से नई एंट्री होगी, और यहाँ पर आने की इसको तोड़ने के बाद में और भी नई एंट्रियाँ बनेगी। इसलिए दोस्तों यहाँ से छोटी छोटी कैंडलें बनती जाए, श्रिंकिंग कैंडल्स अंग्रेजी में बोले तो, उससे क्या होगा कि मतलब है कि बायर वीक होते जा रहे हैं और सेलर्स मार्केट में आ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर एम पैटर्न बना, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कैंडल बड़ी छोटी मतलब बायर वीक होते जा रहे थे, है ना, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों कैंडल्स बनी, एक दो कैंडल वहाँ पर रुकी और ये इनसाइड कैंडल बनी और हमारा एम पैटर्न सक्सेस हो गया, और ये हमें 1:2 का यहाँ पर टारगेट मिल गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर कैंडल रुकी नहीं, इसलिए एम पैटर्न भी फेल हो गया। और यहाँ पर एक ही कैंडल ने देखो कितना एरिया कवर कर लिया, इसलिए यहाँ पर एम पैटर्न फेल हो गया। अब दोस्तों मैंने आपको दूसरा वाला जो एम पैटर्न बताया था वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कल ही बना था, ये निफ्टी का चार्ट चल, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे। तो देखिए दोस्तों ये एम पैटर्न कितने अच्छे तरीके से काम करा है।